गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस के पाठक एक बार पुनः आप लोगों के इस ग्रुप में रीडर का पहला लेसन द एन्चेंटेड पूल, जिसके राइटर सीराज गोपालाचारी हैं, को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। अभी तक इस लेसन के अंतर्गत अबाउट द स्टोरी या अबाउट द लेसन बताया गया था, पढ़ाया गया था, और इसको रिवाइज कर लीजिएगा, चूँकि कई क्वेश्चन के आंसर आपको इन्हीं पैराग्राफ्स में मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो मूल पाठ है, टैक्स जो है, उसकी शुरुआत में करता हूँ। ध्यान से देखते रहेंगे लाइन टू लाइन, ठीक है, देखेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये कहानी महाभारत से ली गई है और बीच की कहानी है, जब युधिष्ठिर या कह दें पांचों पांडवों को वनवास हुआ था और लगभग वनवास का समय बीतने वाला था, तब की ये घटना है। तो कहानी बीच से शुरू हुई। एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, एज माने जब, ही मीन्स वह, लुक्ड माने देखा, एट दियर माने उनके, माइटी मीन्स शक्तिशाली, लिम्स माने अंगों की तरफ, एट माने की तरफ। तो जब उन्होंने उनके मतलब अपने भाइयों के माइटी लिम्स को देखा, ताकतवर भुजाओं को देखा, शक्तिशाली अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, नाउ मीन्स अब, सो माने इतने या कह दे बहुत ज़्यादा हेल्पलेस थे। जब उन्होंने अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों को देखा जो बहुत ज़्यादा असहाय थे, तो हुआ क्या कि ही सैडली वंडर्ड, ही मीन्स वह, सैडली मीन्स निराशापूर्वक, वंडर्ड मीन्स आश्चर्यचकित हो गए। तो वह निराशापूर्वक आश्चर्यचकित हो गए। किस बात को लेकर आश्चर्य हुआ कि हु कुड हैव बीन सो पावरफुल या पावरफुल, कौन इतना अधिक शक्तिशाली हो गया, इनफ मीन्स अधिक पर्याप्त, कौन इतना अधिक शक्तिशाली हो गया, टू किल देम, जो उन्हें मार सके, जो मेरे भाइयों को मार सके। जैसा कि अबाउट द लेसन में बताया गया था कि अपने भाइयों का काफ़ी देर इंतज़ार किया इन्होंने, अब ये जो है तमाम प्रकार के ख्यालात इनके दिमाग में आने लगे, ये भी सोचा कि क्या कहीं किसी व्यक्ति के श्राप के शिकार तो नहीं हो गए, या प्यास के कारण मूर्छित तो नहीं हो गए। ये सारे विचार जब इनके दिमाग में आने लगे तो ये इंतज़ार करना छोड़कर अपने भाइयों को खोजने चल पड़े। तो खोजते खोजते यह एक तालाब के समीप पहुँचे जिसके किनारे हरी भरी घास लगी हुई थी, और उन्हीं या कह दे उसी मैदान के ऊपर इनके भाई मरे पड़े हुए थे। तो ये कहानी बीच से शुरू हुई, इसीलिए यहाँ कहा गया कि जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के शक्तिशाली भुजाओं को देखा जो अब इतने असहाय थे, तो वह निराशापूर्वक आश्चर्यचकित हो गए कि हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, कि कौन इतना अधिक शक्तिशाली हो गया, टू किल देम, उन्हें मारने के लिए। ठीक है, जैसे कि इसमें बताया गया है युधिष्ठिर के जो भी भाई थे, वो अब भाइयों में जो भीम थे उनके भीतर 16,000 हाथियों की ताकत थी, अर्जुन जो थे वो तीरंदाजी में एक्सपर्ट थे, विशेषज्ञ थे, काफ़ी कुशल थे। तो इस तरह से एक बड़ी प्रतिभाएं रखने वाले भाइयों को इतनी आसानी से किसने मार दिया, इस बात को लेकर ये आश्चर्यचकित
हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। तो एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, जब उन्होंने उनके शक्तिशाली भुजाओं को देखा जो अब इतने असहाय पड़े हुए थे, तो वह निराशापूर्वक चौंक गए कि कौन इतना शक्तिशाली हो गया जो इन्हें मार सके। ठीक है, फिर क्या किया? देन तब ही टू वह भी डिसेंडेड मीन्स उतर गए इनटू पूल, कहाँ? तालाब में, या कह दे पानी की तरफ। पूल आया है ना, पूल माने ऐसा तालाब जिसका पानी स्वच्छ हो, निर्मल हो। तो देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब वह भी तालाब में उतर गए। ड्रान टू द वाटर, ड्रान मीन्स बढ़ गए, टू द वाटर पानी की तरफ बढ़े, बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, किसके कारण? ओवर पावरिंग मीन्स बहुत, या कह दे तीव्र थ्रस्ट के कारण। थ्रस्ट मीन्स प्यास, तीव्र प्यास के कारण या प्यासे होने के कारण ये पानी की तरफ बढ़े। तब ये तालाब में उतरे और पानी की तरफ बढ़े। फिर क्या हुआ? एट वंस, तुरंत, द वॉयस, आवाज ने, विदाउट फार्म, जिसका कोई रूप नहीं था, मतलब बॉडी जो थी वो इनविजिबल थी, अदृश्य थी, केवल आवाज सुनाई दे सकती थी, तो वही आवाज आई। क्या हुआ? एट वंस, तुरंत, द वॉयस, आवाज, विदाउट फार्म, बगैर शरीर की आवाज, वार्न, वार्न मीन्स चेतावनी देने लगी। जैसे ही ये तालाब में उतरे और पानी पीने का प्रयास किया, वैसे ही एक आवाज इनको वार्निंग देने लगी। ठीक है, बॉडी इनविजिबल थी, केवल वॉयस कैन बी हर्ड, केवल आवाज सुनी जा सकती थी, तो एक आवाज हुई, एक चेतावनी सुनाई पड़ी इनको। चेतावनी क्या थी देखेंगे। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए, बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। ये आवाज आई, ठीक है, विदाउट फार्म जो आवाज सुनाई पड़ी, उसने इन्हें चेतावनी दी, कहा तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, बगैर मेरे प्रश्नों का जवाब दिए। तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने उनको भी पहले चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने इस चेतावनी पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों का जवाब दिए बगैर ही उन्होंने पानी पीना चाहा, पानी पीने का प्रयास किया। तो ऐसा मत करना, डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करना, नहीं जो उनके साथ हुआ है वही तुम्हारे साथ भी होगा। तुम्हारे भाइयों ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, मैंने उनसे कहा था कि पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो फिर पानी पियो, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बगैर उत्तर दिए ही पानी पीने का प्रयास किया, इसलिए वो मर गए। तो डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करना, आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, एंड देन यू कैन क्वेंच योर थ्रस्ट, और तब यू कैन, तुम सकते हो, क्वेंच मीन्स बुझा सकते हो, योर थ्रस्ट, अपनी प्यास को। पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, फिर उसके बाद तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो।
अब ऐसा क्यों करना होगा? क्योंकि दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मुझसे संबंधित है, अर्थात यह तालाब मेरा है, यह मेरा तालाब है, मैं इसका मालिक हूँ। अर्थात जब तक मैं अलाउ नहीं करूँगा तुम लोग पानी नहीं पी सकते। और अलाउ करने की एक शर्त है कि जब मैं पहले प्रश्न पूछूँगा उनका सही आंसर आप दे देंगे तब आप पानी पी सकते हैं। और बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए यदि पानी पीने का प्रयास करोगे तो परिणाम तुम्हारे सामने है, यही हाल तुम्हारा भी होगा। इस तरह से कठोर शब्दों में उस इनविजिबल फॉर्म की वॉयस ने इन्हें चेतावनी दी, इन्हें वार्निंग दी, समझाया। तो जैसा कि पहले से बताया गया अबाउट द स्टोरी में कि इस पाठ में युधिष्ठिर की बुद्धिमता, युधिष्ठिर के धैर्य और भाइयों के प्रति इनके प्रेम इत्यादि का वर्णन है। तो फिलहाल बुद्धिमता आई है, इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी हद तक युधिष्ठिर बुद्धिमान थे। दूसरी चीज़, ये पांचों पांडवों में सबसे बड़े थे, इसलिए इन्होंने पहले विचार विमर्श करना शुरू किया। और किया क्या? इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा ए मोमेंट, युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा टू अंडरस्टैंड, समझने में, दैट दीज कुड बी नन अदर, कि ये कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है, देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष, एक यक्ष की आवाज के सिवा, एक यक्ष के शब्दों के सिवा किसी दूसरे के शब्द ये हो ही नहीं सकते हैं। इस तरह की वार्निंग केवल यक्ष ही दे सकता है, ये अंदाजा, ये अनुमान इन्होंने तुरंत लगा लिया। किसने? युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर तुरंत जान गए कि ये कोई जो है, क्या कह दें, ऐरा गहरा नहीं बल्कि यक्ष की आवाज़ है। एंड गेस्ड, और अनुमान लगा लिया व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था टू हिज ब्रदर्स, इनके भाइयों के साथ। जैसे ही इन्होंने वो आवाज़ सुनी ये तुरंत जान गए कि आवाज़ के पीछे कौन छिपा है या ये किसकी आवाज़ है। और ये भी अनुमान लगा लिया कि मेरे भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। भाई स्वाभाविक है, इसी तरह उनसे भी प्रश्न पूछा गया होगा, और अपने भाइयों का ये नेचर भी जानते थे। जैसे कि भीम हुए, उनको अपनी ताकत पर काफ़ी घमंड था, तो स्वाभाविक है कि जब इस तरह से आवाज़ आई होगी तो वो घमंड के चलते उस पर ध्यान नहीं दिए, पानी पी लिए होंगे। तो इस तरह से सारी सच्चाई का इन्हें पता चल गया, अनुमान लगा लिया। और एक अंदाजा और लगा लिया, क्या? इट टुक हिम नो टाइम, इसमें भी उन्हें तनिक सा भी समय नहीं लगा टू सी ए पॉसिबल वे, एक संभावित रास्ता देखने में समय नहीं लगा आप ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, जीवन में पुनः वापस लाने का उन्हें एक रास्ता भी दिखाई देने लगा। इट मीन्स ये समझ गए कि यदि मैं यक्ष के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूंगा, यदि उसके अनुसार मैं अपना कार्य करूंगा, तो स्वाभाविक है कि अगर ये यक्ष प्रसन्न हो जाएगा मुझसे तो मेरे भाई भी पुनर्जीवित हो जाएंगे। अर्थात इन्हें अपने भाइयों को पुनर्जीवित कराने का एक ऑप्शन भी नज़र आ गया, इसलिए बड़े ही धैर्य के साथ, विनम्र स्वर में, मॉडेस्टी के साथ ये बोले। क्या बोले? ही सेड टू द बॉडीलेस वॉयस, ही सेड, उन्होंने कहा टू द बॉडीलेस वॉयस, बिना शरीर वाली आवाज से ये बोले। क्या बोले? प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, प्लीज, कृपया, आस्क, पूछो योर क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों को।
युधिष्ठिर को प्यास बहुत तगड़ी लगी थी, बहुत तेज की प्यास लगी थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने वार्निंग को सुना और गेस किया कि क्या हुआ होगा या किसकी आवाज़ हो सकती है, ये तुरंत नॉर्मल हो गए और इन्होंने पानी पीने की प्रक्रिया को त्याग दिया। कहा, पहले मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा, फिर यदि आप अलाउ करेंगे तो मैं पानी पीऊंगा। और बड़े ही विनम्र शब्दों में बोले कि प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। तो द वॉयस पुट क्वेश्चंस रैपिडली, आवाज ने लगातार प्रश्न रखना शुरू किया, वन आफ्टर एनदर, एक के बाद एक। ठीक है, एक प्रश्न का जैसे आंसर मिलता था तुरंत उसके बाद तत्काल दूसरा प्रश्न पूछने लगता था। इस प्रकार से उस आवाज ने प्रश्न पूछना प्रारंभ किया, या कह दे एक के बाद एक लगातार प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। ठीक है, पहला प्रश्न आपकी बुक में दिया गया है, देखेंगे। पहला प्रश्न यक्ष ने किया कि व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, व्हाट रेस्क्यूज क्या बचाता है, कौन बचाव करता है मैन का इन डेंजर, खतरे में। जब व्यक्ति खतरे में पड़ जाता है तब उसका बचाव कौन करता है, उसकी सुरक्षा कौन करता है। तो विदाउट वेटिंग ए मोमेंट युधिष्ठिर आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली, बगैर एक क्षण गवाए युधिष्ठिर ने तुरंत इस प्रश्न का जवाब दिया। कहा कैरेज, क्या कहा, कैरेज, कैरेज मीन्स साहस। साहस वो चीज है जो खतरे के समय मनुष्य को बचा सकती है, या कह दें साहस ही वह चीज है जो खतरे से मनुष्य को बचाती है। यदि व्यक्ति साहसी है और वो साहस करना बंद ना करे तो स्वाभाविक है कि वो खतरे का सामना कर सकता है। ठीक है, यह था पहला प्रश्न। अब इसके अकॉर्डिंग जितना हुआ इसके ऊपर की लाइनों को तैयार कर लें। ठीक है, वर्ड टू वर्ड इसका अर्थ देख लें, यदि कहीं दिक्कत हो तो वीडियो आगे पीछे करके देखें, सारी लाइनें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके आगे की चीज़ें अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।